अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या पढ़े थे, नॉर्मोसेटिक एनीमियाज पढ़े थे, ठीक है। और नॉर्मोसेटिक के अंदर हम लोगों ने कहा कि मोस्टली जो अनीमियाज हैं उसमें हिमोलिसिस चल रही होती है, ठीक है। और हिमोलिसिस को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने कहा हिमोलिसिस या तो इंट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से होती है या एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट की वजह से, और फिर इसी तरह या तो वो इंट्रावास्कुलर होती है या एक्स्ट्रावास्कुलर। अभी तक आपको दो चीज़ें जो पढ़ाई हैं, जिसमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस पढ़ा और साथ में हम लोगों ने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, उन दोनों में इंट्रिंसिक डिफेक्ट था लेकिन उनकी जो हिमोलिसिस थी वो एक्स्ट्रावास्कुलर थी। अब तीसरी चीज़ हमने पढ़नी है G6PD डिफिशेंसी। इसका आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, बाकी ये बहुत आसान सा है, बल्कि अभी जो सारे रह गए हैं वो बहुत आसान से हैं, लेकिन MCQ के लिए आपको कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो देखते हैं, G6PD डेफिशिएंसी की सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव वही होता है जो सिर्फ आपको पता है कि मेल्स को इफेक्ट करता है, ठीक है, लाइक हीमोफीलिया, सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इसमें भी इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है। G6PD की डेफिशिएंसी होती है, इंट्रिंसिक ही डिफेक्ट है ये भी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि इसकी प्राइमरी जो हिमोलिसिस है वो इंट्रावास्कुलर होती है, लेकिन बाद में सेकेंडरली एक्स्ट्रावास्कुलर हिमोलिसिस भी हो सकती है, क्योंकि RBCs की शेप ऑल्टर हो जाती है तो वो, और उनके साथ हिंस बॉडीज की वजह से स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उनको अटैक कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली इनिशियली इनकी जो नेक्रोसिस है वो हिमोलिसिस है वो क्या होती है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस है, ठीक है। बाकी हम लोग जो पढ़ते आ रहे थे कि इसके अंदर नॉर्मोसेटिक एनीमिया होगा और रेटिक्यूलोसाइट काउंट रेस्ट होगा, वो तो जाहिर है कॉन्स्टेंट सी बात है। अब आपने थोड़ी सी इसकी पैथोलॉजी या एटियोलॉजी समझनी है कि होता क्या है। होता ये है कि हमारे पास जो एंजाइम है G6PD, ये एंजाइम HMP शंट के दौरान आपको पता है प्रोड्यूस होता है। अब ये एंजाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इसलिए नेसेसरी होता है कि इसने बनाना होता है NADPH, ठीक है। ये जो NADPH है ना, ये क्या करता है, ये ग्लूथाथायोन को रिड्यूस करता है। क्या करता है, ग्लूथाथायोन को रिड्यूस करता है। ग्लूथाथायोन जब रिड्यूस होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है GSH में। अब ये जो GSH है ये क्या करता है कि सेल के ऊपर जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, कोई ड्रग ले ली, हाइपोक्सिया है या जो भी हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हुआ और अंदर क्या बनता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, सेल के अंदर, तो ये GSH क्या करता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, क्योंकि अगर GSH ने इसको ब्रेक डाउन ना किया तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। सो नॉर्मली इस तरह आपका सेल जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, GSH रिड्यूस फॉर्म में आपकी रेड ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जिन लोगों में जाहिर है G6PD की डेफिशिएंसी होती है, नॉर्मली तो कुछ नहीं होता, लेकिन जब भी एक ऐसा स्ट्यूमुलस के जिसकी वजह से उनके सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बढ़ेगा, उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेगा तो जाहिर वो सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। अब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ज़्यादातर एंटी मलेरियल ड्रग्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से बढ़ता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि एक सिनेरियो देते हैं कि एक पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल था, उसको मलेरिया हुआ, उसने एंटी मलेरियल ड्रग ली और अब वो आ रहा है हीमाचूरिया के साथ। तो जब उसने एंटी मलेरियल ड्रग ली तो उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा, हाइड्रोजन परऑक्साइड बढ़ा, इसको न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सका, हिमोलिसिस हुई वो हीमाचूरिया के साथ, और इवन उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू रीनल ट्यूब्यूलर एसिडोसिस। सो ये MCQ अगर कभी दें कि एक बंदा था, उसको मलेरिया हुआ, एंटी मलेरियल एजेंट्स दिए और फिर हीमाचूरिया या किडनी इंजरी या ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस या उसकी डेथ हो गई और कंप्लेंस रही हीमाचूरिया की, तो आपने सोचना है G6PD डेफिशिएंसी की बात हो रही है, क्योंकि ड्रग से स्ट्रेस बढ़ा होगा और स्ट्रेस से बहुत ज्यादा हिमोलिसिस हुई होगी, ठीक है। अच्छा, इसलिए जो G6PD डेफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं उनमें दवाइयां बड़ी एहतियात से दी जाती हैं, एंटी मलेरियल एजेंट्स वो नहीं ले सकते, इस तरह एस्पिरिन वो नहीं ले सकते और बाकी भी कुछ दवाइयां हैं। अब ऐसी कुछ वेबसाइट्स भी हैं, उनके ऊपर भी आप जाके लिख सकते हो कि विच ड्रग्स आर सेफ फॉर G6PD डेफिशिएंट पेशेंट और कौन सी ड्रग उसके लिए सेफ नहीं है, ठीक है। बहरहाल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, अब G6PD तो है नहीं है ना, ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म में है सो इसकी रिडक्शन नहीं होती है, और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है हीमोग्लोबिन को, और ऑक्सीडाइज होकर हीमोग्लोबिन एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, हिंस बॉडी, ठीक है। क्या बन जाता है, ये हिंस बॉडी बनता है। G6PD डेफिशिएंसी या GSH डेफिशिएंसी इन टर्म कॉजेस हाइड्रोजन परऑक्साइड टू ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन जो कि प्रेसिपिटेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हिंस बॉडी। अब ये जो हिंस बॉडीज है ना, ये एक तो क्या करती हैं, RBC की मेम्ब्रेन को डैमेज करती हैं। जब मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो जाहिर है सेल की मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो सेल की डेथ हो जाती है, सो इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाती है। दूसरा, ये हिंस बॉडीज जो हैं इनकी वजह से स्प्लीन के अंदर भी RBC की मेम्ब्रेन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, तो वो इस
तरह से जैसे वो एप्पल का साइन नहीं होता, बाइट सेल्स बनते हैं, तो एक आपने हिंस बॉडीज और एक बाइट सेल्स पेरिफेरल स्मेयर पे याद रखने हैं कि वो इंडिकेट कर रहे होते हैं किसको, G6 पीरी डेफिशिएंसी को, ठीक है। अब G6 पीरी डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं, इसमें यूजुअली अफ्रीकन ओरिजिन से जो लोग बिलोंग करते हैं उसका एक सिनेरियो दे सकते हैं कि अफ्रीकन था और सडनली उसको एनीमिया और जॉन्डिस हो गया और वो कुछ दवाई ले रहा था, ठीक है। सो आपने याद रखना है कि इसका क्या होता है कि इन लोगों को एकदम से सडनली, क्योंकि वैसे वो ठीक है लेकिन जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो हिमोलिसिस ज़्यादा होगी, सडन एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा। फिर मैंने कहा कि अफ्रीकन एथनिसिटी का आपने याद रखना ज़रा ज़्यादा होता है और ये एनीमिया ट्रिगर होता है ड्यू टू इन्फेक्शन, ड्यू टू सम ड्रग जिसमें प्राइमाक्वीन आपने याद रखनी है, और ड्यू टू सम फूड भी ये क्या हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जब ये ट्रिगर हो गया तो फिर आप लोग इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या कर सकते हो। सो इसकी डायग्नोसिस के लिए नंबर वन हम क्या करते हैं, CBC कर सकते हैं। अच्छा, नंबर वन हम लोग क्या करते हैं इनकी, यार CBC करते हैं। CBC के ऊपर हमें ज़ाहिर अनीमिया तो मिलना है, लेकिन आपको बताया नॉर्मोसिटिक अनीमिया मिलेगा, और दूसरा आपने बताना है कि रेटिक्यूलोसाइट काउंट जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम इनकी पेरीफ्रल स्मेयर करते हैं, और पेरीफ्रल स्मेयर पे हमें दो बॉडी, एक तो आपने हिंस बॉडी याद रखनी है और दूसरा बाइट सेल्स। ये ऐसे होते हैं जैसे कि किसी ने ऐसे करके ना उनको चक काटा, वैसे तरह के सेल्स होते हैं क्योंकि स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस उनके ऊपर अटैक करती हैं। सो हिंस बॉडी का मतलब डी नेचर्ड हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीडाइज हो गया, और बाइट सेल वो जिनको मैक्रोफेजेस ने बाइट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है वो हमने क्या ही करना होगा, हमने G6PD एंजाइम जो है उसके लेवल्स मेजर करने होंगे, और ये आपके पास मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये एक्टिव डिजीज के दौरान नहीं आपने करना, जब हेमोलिसिस वाली एपिसोड अवर हो जाए तो उसके 2 महीने बाद करना है। लास्ट थिंग आती है कि ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले जो भी एजेंट है, जो भी ऑफेंडिंग ड्रग है जिससे भी ये अटैक प्रेसिपिटेट हुआ, वो हिस्ट्री में बता देता है कि ये दवाई ली, ये खाना खाया तो ये अटैक हुआ, तो पहली तो बात है उसको रोक देते, ठीक है। नंबर टू आपने बताना है कि अगर अंडरलाइंग कोई इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक या जो भी देंगे। नंबर थ्री, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, वो लाइफ सेविंग इसके लिए हो सकती है। और नंबर फोर, स्पिनेक्टमी की ऐसा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मोस्टली सेल मसला तो आपके सेल के अपने अंदर है और वेसल्स के अंदर ही, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से टूटता है, स्प्लीन तो तोड़ती नहीं है, तो स्पिनेक्टमी की यहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, सो उसको नहीं लिख देना, ठीक है। नंबर टू, बहुत ही आसान, हमारे पास ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया आ जाता है। सो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया यानी इसमें आपकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। अब ये जो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, इसमें आपने याद रखना है कि एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक एनीमिया है, और इसमें फर्दर फिर एक्स्ट्रावैस्कुलर या एक्स्ट्रावैस्कुलर हेमोलिसिस हो सकती है, ठीक है। सो इसमें मतलब सेल के अंदर कोई मसला नहीं होता, RBCs ठीक होते हैं, यानी ये एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट है, आपके प्लाज्मा के अंदर कोई मसला है, एंटीबॉडीज बन गई तो उन्होंने फिर इनको अटैक करना शुरू कर दिया, वरना सेल के अपने अंदर कोई खराबी नहीं थी। जैसे हमने पीछे पढ़ा है रिट्रोसेफेरोसाइटोसिस में उसकी जो मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं थे, या सिकल सेल एनीमिया में HBS आ गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट है, और हेमोलिसिस इंट्रावैस्कुलर भी हो सकती है और एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस भी हो सकती है। उसके बाद इंपॉर्टेंटली जो इसके अंदर चीज़ें मिलती हैं, वो कोम्स टेस्ट हम जरूर करते हैं इम्यूनिटी के लिए, वो मोस्टली हमें पॉजिटिव मिलता है, बाकी नॉर्मोसिटिक एनीमिया मिलता है और रेटिक्यूलोसाइट काउंट रेज होता है, एज हम सब में देखते आ रहे थे। अब जो आपके पास ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हम देखते हैं कि हमारे पास वार्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है, और दूसरा कोल्ड एग्लूटन डिजीज़ होता है, ठीक है। सो कोल्ड एग्लूटन डिजीज़ होता है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस ये है, ऐसे कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। वॉर्म और एंटीबॉडीज़ की वजह से जो ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है वो ज़्यादा कॉमन है, तकरीबन 70% केसेस जो हैं वो उसमें वॉर्म एंटीबॉडीज़ बनी हुई होती हैं, और बहुत कम 30% केसेस के अंदर हमारे पास जो है वो कोल्ड एसोसिएटेड हीमोलिटिक एनीमिया होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये IgG मीडिएटेड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि इसके अंदर जो है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता, कि कैन नॉट बी फिक्स्ड बाय द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, या डज नॉट यूजुअली फिक्स द कॉम्प्लीमेंट, वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। और इस रिएक्शन की जो इनिशिएशन है वो तकरीबन 37 डिग्री या उससे ऊपर जाके होती है, इसीलिए इसको हम वॉर्म एंटीबॉडी ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। अब अगर हम कॉजेज़ की बात करेंगे तो मोस्टली इसका कॉज हमें नहीं पता, लेकिन ये बॉडी के अंदर किसी और ऑटो इम्यून एटियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल SLE के साथ मोस्ट कॉमनली हो सकता है, या नंबर टू फिर कैंसर जैसे कि लिम्फोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, या इवन कुछ ड्रग्स जैसे कि पेंसिलिन वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड हो सकता है।
हम लोगों ने क्या करना होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ये होता है कि जो RBCs होते हैं ना, उन RBCs को आके कोट कर देता है IgG, ठीक है। जब IgG RBCs के ऊपर होता है तो नॉर्मली यही कॉन्सेप्ट है इम्यून सिस्टम के पास कि अगर IgG ने बाइंड किया हुआ है तो ज़रूर नीचे कोई एंटीजन ही होगी। तो इस IgG बाउंडेड रेड ब्लड सेल्स को जो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस इसके ऊपर अटैक करते हैं और इसकी क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस। और जब RBCs इतना ज़्यादा टूटेगा तो जाहिर है हिमोलिसिस तो हो रही है, सो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस हो रही होती है इसकी स्प्लीन के अंदर और स्फेरोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। ये हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस से डिफरेंट है, वहाँ पे पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री एंड पॉजिटिव कूम्स टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। सॉरी, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में फैमिली हिस्ट्री होती है और कूम्स टेस्ट नेगेटिव होता है, जबकि यहाँ कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है और कूम्स टेस्ट भी पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आ जाती है कि हमने इसको ट्रीट करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए मोस्टली हमने क्या करना है, इसको हम इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। तो इसकी ऑटो इम्यून एटियोलॉजी है, तो फर्स्ट लाइन एजेंट हमारे पास क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और वो भी हम क्या देते हैं, प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है। अगर वो स्टेरॉइड को एक्यूट एपिसोड रिस्पॉन्स ना करे तो फिर हम IV इम्यूनोग्लोबुलिन दे देते हैं। IV इम्यूनोग्लोबुलिन से भी अगर हमें फ़र्क ना पड़े करंट एपिसोड्स हैं तो फिर नंबर 3 हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम पेशेंट की स्प्लेनेक्टमी कर देते हैं, और स्प्लेनेक्टमी के साथ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज जैसे कि आइजोथायोप्रीन और साइक्लोफॉस्फामाइड वगैरह है वो देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास जो कहते हैं रिटेक्सिब अब भी आ गई है, एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, वो भी यूज़ की जा रही है कि अगर स्प्लेनेक्टमी के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा तो फिर ये रिटेक्सिब अब जो है जो कि एंटी CD20 एंटीबॉडी है ये दे सकते हैं। तो क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं तो IV इम्यूनोग्लोबुलिन, बार बार हो रहा है तो स्पिनेक्टमी, इम्यूनोसप्रेशन फिर भी हो रहा है तो रिटक्सिमब, ठीक है। दिस इज वॉर्म एंटीबॉडी हिमोलिटिक एनीमिया। अब कोल्ड में ना बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको कंपेयर कर लेते हैं कि ये लेस कॉमन होता है तकरीबन 30%, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर IgM मेडिएटेड एंटीबॉडीज होती हैं। तीसरी बात, इसमें कॉम्प्लीमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है। और चौथी बात, ये 0 से लेकर 4 डिग्री तक स्टिमुलेट होता है। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो इडियोपैथिक है, लेकिन नंबर 2 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कोई ना कोई बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, स्पेशली माइकोप्लाज्मा हो गया या इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियसिस। उसके बाद मैकेनिज्म में आपने याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा का जब इन्फेक्शन होता है ना, तो माइकोप्लाज्मा के ऊपर एक ऐसी एंटीजन है कि जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बन गई और माइकोप्लाज्मा को अटैक कर दिया और बात ख़त्म हो गई। अब ऐसी ही एक एंटीजन जो है वो RBCs के ऊपर होती है। ये एंटीबॉडी टेम्परेचर सेंसिटाइज होती है, जैसे ही टेम्परेचर कम होता है तो ये एंटीबॉडी आकर अटैक करती है इस प्रोटीन को जो कि RBC के ऊपर है, वो इसको एंटीजन समझ के इसको अटैक करती है। यूं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है और डिस्ट्रक्शन होती है लो टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो पेशेंट को क्रॉनिक एनीमिया है जो कोल्ड से बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाता है, नमनिंग एंड मोटलिंग होती है नोज़, ईयर, फिंगर एंड टोस की, रेनॉर्ड फिनोमना है, और ये तब ठीक हो जाता है जैसे हम पेशेंट के उस बॉडी के हिस्से को गर्म करते हैं। सो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है कि नंबर 1 इसके अंदर कूम्स टेस्ट नेगेटिव और कॉम्प्लीमेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है, और ट्रीटमेंट आपने यही कहना है कि वो पेशेंट जो है वो वार्म अप रहे, ठीक है। उसके अलावा हम उसको रिटक्सिमब दे सकते हैं, और नंबर 3 इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। लेकिन स्टेरॉइड एंड स्पिनेक्टमी का ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्प्लीन तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रही है, इसमें बेसिकली एंटीबॉडी बनी है जो एंटीबॉडी जाकर उसको अटैक करती है, ठीक है बेटे। सो आई होप कि इस तरह कंपैरिजन से ये चीज़ थोड़ी सी आसान हो गई है। सो ये ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमियाज हैं, वार्म एंड कोल्ड। कोल्ड जो है वो लेस है, ये ज़्यादा है, या IgM है या IgG है, इसमें कॉम्प्लीमेंट होता है इन्वॉल्व नहीं होता, ये जो है वो कोल्ड टेम्परेचर और ये वार्म टेम्परेचर पर स्टिमुलेट होता है। इसमें मोस्टली जो डिस्ट्रक्शन होती है इस वजह से कि IgGs के साथ बाइंड होकर स्क्रीन में जाके सो एक्स्ट्रा वैस्कुलर हिमोलिसिस होती है, इसमें इंट्रावैस्कुलर हिमोलिसिस, इसलिए उसने कहा था ओवरऑल दोनों हो सकती हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ अब याद रह जाएगी। उसके बाद बेटे दो आसान सी चीज़ें हैं, एक हमारे पास आता है पैरोक्सिस्मल नेक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। जितने भी इंट्रिंसिक डिफेक्ट है ना वो कंजनाइटली आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर इंट्रिंसिक डिफेक्ट ज़रूर है, लेकिन ये वो वाहिद डिजीज़ है कि इसने ये इंट्रिंसिक डिफेक्ट क्या किया होगा, विद टाइम एक्वाइर्ड करता है। ये क्या करता है, विद टाइम इस डिफेक्ट को एक्वाइर्ड करता है, ये डिफेक्ट पैदाइशी तौर पे इसमें प्रेजेंट नहीं होता। बेसिकली मसला क्या होता है, बेसिकली मसला ये होता है कि एक सब्सटेंस होता है जिसको समझ लें पीगा कहते हैं। पीगा का मतलब है दिस इज फॉस्फेटिडल एनाइसोटोल ग्लाइकेन ए, ठीक है। ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ सब्सटेंस जिसको हम GPI कहते हैं। पीगा रिक्वायर्ड फॉर GPI, GPI इज ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडल एनाइसोटोल, और ये जो GPI है ये बेसिकली इन एक्टिवेट करता है
किस को इनएक्टिवेट करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को. क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो इम्यून मीडिएटेड सिस्टम है उसको ये क्या करता है? इनएक्टिव करता है. लेकिन जो ये एनपीएच का पेशेंट है, इसके अंदर सॉरी पीएनएच का पेशेंट है, इसमें ये डिफेक्टिव हो जाता है जिससे कॉम्प्लीमेंट इनएक्टिवेट नहीं हो सकता. और स्पेशली कॉम्प्लीमेंट ओवर रिएक्टिव रहता है. स्पेशली कॉम्प्लीमेंट की दो डोमेन्स होती हैं, C55 और C59, जो बहुत ज़रूरी हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इनहिबिशन के लिए. सो ये अब नहीं है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा काम करते हैं और वो आपके अपने RBCs को तोड़ता है, इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस करता है, क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया करता है, उसके बाद पेन साइटोपिनिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है और थ्रोम्बोसिस की वजह से मोस्ट कॉमनली डेथ भी हो जाती है. ठीक है, सो हम इसकी साइटोमेट्री करें अगर तो उस पर CD55 और 59 हमें कम मिलते हैं. सुक्रोज हिमोलिसिस टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है. और उसके अलावा हम एक और टेस्ट करते हैं, हेम्स टेस्ट, वो भी क्या करता है, एसिडिफाइड सीरम एक्टिवेट अगर कर दे अल्टरनेटिंग पाथवे को तो उससे फिर हिमोलिसिस हो रही होती है. ट्रीटमेंट में बस आपने प्रेडनिसोलॉन देना है. ठीक है, और उसके बाद हम नंबर टू, अगर एलोजेनिकली बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकें तो वही इसके लिए ट्रीटमेंट ऑफ क्योर है. ठीक है, अगर नहीं तो फिर हमारे पास एक्यूलीज्यूमब जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि एक्यूलीज्यूमब की क्या करती है, C5 को इनएक्टिवेट करती है. सो वो दी जा सकती है और बाकी सपोर्टिव मैनेजमेंट. लास्टली बेटे हमारे पास आ जाता है एप्लास्टिक एनीमिया. एप्लास्टिक आपको नाम से पता है, आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि क्या हो जाता है, बोन मैरो डिप्रेशन. बोन मैरो डिप्रेस होता है जिसकी वजह से तीनों चीज़ें, RBCs कम बनते हैं, अनीमिया, WBCs कम बनते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन वगैरह होते हैं और प्लेटलेट्स कम बनते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया. इसकी एग्जैक्ट रीज़न हमें नहीं पता. रेटिक्यूलोसाइट कम होगा, होगा नॉर्मोसिटिक अनीमिया लेकिन रेटिक्यूलोसाइट कम होगा. तो यहाँ पे भी रेटिक्यूलोसाइट कम, ये हमने हर बहुत दफ़ा पहले भी पढ़ा. एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता, लेकिन ये फैनकोनी अनीमिया के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, ड्रग्स के साथ या इन्फेक्शन के साथ. ठीक है, अनीमिया होगा, न्यूट्रोपिनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, लेकिन स्पिनोमेगैली नहीं होगी. डायग्नोसिस CBC करते हैं, नहीं तो बोन मैरो बायोप्सी करते हैं. इसका भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यंग लोगों के अंदर एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ओल्डर के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देते हैं और बाकी सपोर्टिवली अनीमिया के लिए ब्लड देंगे, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे और ब्लीडिंग के लिए प्लेटलेट्स देंगे. ठीक है, सो दिस इज इट. अब ये सारे के सारे बेटे हमने RBCs के जो मसले हैं वो डिस्कस कर लिए. ठीक है, सो RBC के मसलों को हमने तीन पार्ट्स में किया, MCV अगर कम है, MCV ज़्यादा है, MC बराबर है. सो दिस इज़ नॉर्मोसिटिक. नॉर्मोसिटिक में फिर सारी डिफरेंट हिमोलिसिस डिस्कस की हैं, यहाँ पे मैक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक और उसमें चारों डोमेन. सो यहाँ तक कोई कंसर्न, कोई इशू, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो जितनी मर्जी बार पूछने, मैं बताने के लिए तैयार हूँ. और बस फिर हम अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह WBCs एंड ब्लीडिंग प्लेटलेट्स के मसले करेंगे.